बिग बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि करण कुंद्रा एंड तेजस्वी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर निशांत एंड प्रतीक होते हैं। तभी तेजा कहती है कि मुझे ना डेवो एंड रश्मि का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेवो को तो मैं मान लिया है कि चल वो मुझसे गुस्सा है, लेकिन रश्मि किस बात से गुस्सा है? रश्मि वैसे ही फुटेज लेने की मारी इतना सब कुछ करती रहती है और वो कहेगी कि चलो मैं मानती हूँ कि डेवो मेरे साथ गुस्सा हो सकती है, लेकिन डेवो भी बहुत गलती तरीके से मुझसे गुस्सा हो रही है। ऐसी तो मैंने कभी कोई बात ही नहीं कही जिसके कारण डेवो को गुस्सा आ सके, लेकिन तब भी डेवो मुझसे गुस्सा हुई है। चल कोई बात नहीं, मैं उसको मना लूँ, लेकिन रश्मि का क्या है? तभी करण कुंद्रा कहते हैं कि रश्मि कहती है कि जब से वो आई है तब से तुम उसे टारगेट कर रही हो और तुम कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती और इसी बात से रश्मि को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है। तभी तेजा कहती है कि वो कितना ड्रामा करेगी, क्या क्या करती है वो, मुझे तो उसकी समझ में ही नहीं आती, मैंने तो कभी उसके साथ किया ही नहीं है। तभी प्रतीक कहता है कि ये बात तुमको लगती है और रश्मि को लगती है, इसका क्या मतलब? और निशांत भी उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आई है तेजा का और वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, ये तुम्हारे बीच की बात है। लेकिन तेजा बार बार यही बात कह रही थी कि रश्मि दिसाई ड्रामा कर रही है और वो कहती है कि डेवो ने भी ये सही नहीं किया, मैंने उसे कैसे कहा था और उन्होंने कैसे गल पलट कर उमर को कही और उमर कैसे मुझ पर भड़का था और वो काफ़ी बिचिंग करती हुई नज़र आई। आप उनकी बात से कितने सहमत है वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आप तेजा, रश्मि के या उमर के फ़ैन हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।